शिशैनी क्षत्रिय फूल माल्यान पंचायत बड़ाबास समाज सेवा संस्था की ओर से शुक्रवार से सामूहिक युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया। सामूहिक युवा सम्मेलन में समाज के 18 जोड़े पानी ग्रहण संस्कार के साथ परिणय सूत्र में बंधे। युवा सम्मेलन के दौरान शुक्रवार सुबह सूरजपुर गेट सुभाष उद्यान स्थित राठी पवेलियन से बारात शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में सभी दूल्हे घोड़े पर सवार होकर तथा दुल्हने सजे धजी ऊंट गाड़ी में सवार होकर चल रही थी। इस दौरान बाराती बैंड बाजों की धुन पर नाचते गाते हुए चल रहे थे। राठी पवेलियन से शुरू हुई बारात शोभा यात्रा तेजा चौक पांचबत्ती से महादेव जी की छतरी होते हुए शीतला माता गली से सूरजपुर गेट बाहर से होते हुए सेदरिया में स्थित भगवान मुरलीधर की डोली पर पहुंची। बारात शोभा यात्रा के मार्ग में जगह जगह स्वागत द्वार सजाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। बारात शोभा यात्रा के विवाह सम्मेलन पहुंचने पर तोरण की रस्म अदा की गई। तोरण के पश्चात विवाह स्थल पर वेदियों पर पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न करवाए। इस दौरान दूल्हा तथा दुल्हनों ने विवाह के सात वचन दोहराते हुए जीवन में एक दूसरे का साथ जीवन मरने का संकल्प लिया। सामूहिक युवा सम्मेलन के मोहनलाल दग्दी के अनुसार पानी ग्रहण संस्कार संपन्न होने के पश्चात भोजन तथा उसके बाद विदाई की रस्म अदा की गई। इस दौरान आयोजित समारोह में राजनीति से जुड़े मंत्री विधायक तथा जनप्रतिनिधियों ने शिरकत की। विदाई समारोह को संबोधित करते हुए विभिन्न वक्ताओं ने नवविवाहित जोड़ों को शुभाशीष देते हुए आपसी सामंजस्य से अपना जीवन व्यतीत करने की सलाह दी। वक्ताओं ने कहा कि समाज में शिक्षा के प्रति आई जागरूकता का ही परिणाम है सामूहिक युवा सम्मेलन। सामूहिक युवा सम्मेलनों से समाज में फिजूल खर्ची पर रोक लगती है और समाज में समानता के भाव जागृत होते हैं। वक्ताओं ने श्री सैनी क्षत्रिय फूल माल्यान पंचायत बड़ाबा समाज सेवा संस्था की ओर से किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए विवाह सम्मेलन में अपनी भूमिका निभाने वालों तथा व्यवस्थाओं को अंजाम देने वालों को साधुवाद दिया।